और यहाँ पर हमारे बापू जी लीला कशारी दो खुद से बड़ा कट्टा लेके जा रही है, वो भी 84 साल की उम्र में। चावल कढ़ी और चौसा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के ही भूखे हैं, करना पड़ रहा है। देखो गिरी गए थे, थैंक यू यार। तो इसमें आप देख सकते हैं ककड़ियाँ भट रखी है, 780 हो गए हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों काफी टाइम के बाद अपने गांव से, अपने गांव के खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और पिछला ब्लॉग जो आपने देखा ना गांव का, तो मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया था, बल्कि जब मैं यात्रा पर गया ही नहीं था उससे पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। और मैंने आप लोगों को पूछा था कि जो यात्रा की सीरीज है उसको जारी रखूं या बीच बीच में गाँव की वीडियोज भी अपलोड करता रहूं, तो आप लोगों ने कहा है कि दोनों मिक्स कीजिए, बीच बीच में गाँव भी दिखाते रहिए और साथ साथ में जो यात्रा है उसको भी दिखाते रहिए। तो मैंने सोचा जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि आप हो तो तभी हम हैं, जो आप बोलोगे हम वही करने वाले हैं। तो कल की वीडियो गांव की थी, आज की वीडियो गांव की थी, और आगे गांव की वीडियो और यात्रा की वीडियो दोनों मिक्स होती रहेगी। तो जितना प्यार आप गांव की वीडियो को देते हैं ना, उतना ही प्यार यात्रा की वीडियोस को भी दीजिए, क्योंकि यात्रा पर हमने बहुत सारा एंजॉय भी किया और ऐसी ऐसी नई जगहों पे गया ना, अभी यात्रा में आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा मजा किया और इतने देवी देवताओं के मैंने आपको दर्शन किए, इतने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर दिखाए ना, आपको भी बड़ा मजा आने वाला है यात्रा पे। तो चलो अभी क्या करते हैं, सुबह सुबह खेत में ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्यों हो रही है थोड़ा ये बता देते हैं आपको। तो आपको यहाँ पर एक थैला नजर आ रहा होगा, एक कट्टा, तो इसमें आप देख सकते हैं ककड़ियाँ भर रखी है। तो ये ककड़ियाँ अभी रोड तक पहुँचानी होगी, जहाँ तक भी मम्मी बोलेगी, क्योंकि मम्मी अगस्तमुनि जा रही है, तो दीदी लोगों के लिए और मामा लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ककड़ी लेके जा रही है। तो मम्मी आगे भाग गई है, तो बोलते बोलते मैं कभी थकता नहीं हूँ, तो मम्मी कहीं बोलेगी कहाँ गायब हो गया, तो इसीलिए थैला पकड़ते हैं और फिर भागते हैं आगे की ओर। तो पहुंच गए हैं रोड तक और हाथ की हालत देखिए, पूरा हाथ ऐसा हो गया ना, खून जाम हो गया। तो ऐसा ही होता है उसको पकड़ने में। और ये है अपनी माता जी। तो मम्मी आज सुबह सुबह किसके लिए लेके जा रही थी ना सामान, भेजी था बोले तो मेरे मामा जी को, और साथ साथ में थोड़ा दीदी के लिए भी लेके जा रही होगी, लेकिन दीदी को तो हम अक्सर देते रहते हैं, दीदी नजदीक पर ही है, मामा लोगों के लिए कभी कभी भेजते हैं। तो चलिए रोड पर पहुंच गए हैं, अब मम्मी यहीं पे बैठेगी मजे से और फिर जब गाड़ी आएगी उसमें चले जाएगी। तो चलो अब मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो मैं निकलता हूँ अब सीधे घर की ओर। और यहाँ देखिए हमारे सुरेंद्र भाई लगे हैं सुबह सुबह। हाँ, क्या लेके आ रहे हैं आज? ईंट ले रहा है। ईंट, ओके। तो वैसे पहले ही बताया था, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे गांव में रोड है नहीं, तो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में पैदल रास्ता है। तो जितना भी भारी सामान जो होता है ना, जैसे ईंट हो गया, रेता हो गया, तो वो सभी ऐसे खचरों में लेके आना पड़ता हमारे गाँव तक। तो आ चुका हूँ एक बार फिर से घूम गांव के गाँव में, और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ आपको, तो सामने है हमारी लीला कशारी चाची जी, जिनको कि आप बहुत दिन से काफ़ी याद कर रहे थे। तो चलो उनके पास चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। ये है भाई हमारी लीला कशारी चाची जी। तो लोग बहुत याद कर रहे थे तुमको। हाँ, याद कर रहे थे। हाँ, सब बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। थैंक यू यार, थैंक यू। हम लोगों के लिए भी थैंक यू। तब और शरीर पानी, और तब पानी भी ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत है ना। हाँ, थोड़ा बहुत है। 780 वर्ष का हो गए, 780 हो गए हो गए हैं। अभी तक लगे हुए हैं इतने खेत, देखो। सही बात, कितने खेत है ना, अपने खेत नहीं छोड़ने चाहिए। खेत क्यों छोड़ना, जब तक जान है जब तक जान है तब तक खेत करते रहेंगे। जंगोरा लवाई कर दी, जंगोरे का जंगोरा तो कर दिया मैंने। हो गया सट्टी सुट्टी, सट्टू भी सक दिया मैंने। सक दिया ए चाची ने, सक भी दिया, बस सट्टी भी सक दिया। ओ, छेद हो गई। मतलब अब की बार तुम्हारी बार पड़ गई। और हमारा तो सुंगूर ने खा दिया ना। सुंगूर नया है इधर, तबे तो मेरा खाया ना सुंगूर ने। हमारा खाया वो खड़ी वाला, ऊपर वाला। हाँ, यार वो 16 ने किया। अच्छा, 16 था वो। हाँ, 16 ने किया, वो सुंगूर नया है। अच्छा, सुंगूर नया है अब की बार। चलो अच्छी बात है। परसों से, शुक्रवार से
ये सरार लगन से पहले हल लगा देंगे। अच्छा, हल भी लगा देंगे। तभी तो खला रही है। मतलब सब लोग बोल रहे होंगे खमोली वाले पागल हो गए, लोगों के यहाँ तो अभी लवाई शुरू ही नहीं हुई और हम यहाँ हल लगाने की तैयारी में बैठे हैं। क्या करना, तो यहाँ धड़की पड़की हो रही है तो कितने धड़की पड़की हो गई, सूखा पड़ गया। हाँ, सूखा हो गया। ये खेत जो है चौपड़िया माट, जहाँ मैं गया था वहाँ तो बहुत भयंकर बारिश आ रही थी, यहाँ बरखा नहीं आई। नहीं आई यार, यहाँ थोड़ा बहुत बूंद बांद हो रही है, अभी नहीं आई है। लेकिन ये है कि जो त्यों ऐसा सकने से पहले ये कर देते हैं गमटम। हाँ, इसके गमटम करना है। और असूज लगने से पहले यहाँ बूतना है। अच्छा, क्या बूत हो गया? गेहूँ। अच्छा, गेहूँ धान। ठीक है, घाम हो रहा बहुत खतरनाक वाला। अरे हाँ, अगर गपोड़ी लगाते रहेंगे तो पूरा दिन यहीं पे बैठे रहेंगे। चलो करो तब काम है। ठीक है, लगानी पड़ती है यार, कभी कभार गपोड़ी भी लगानी पड़ती है। तो अभी सामने आपने देखी लीला कशारी एक, और यहाँ पर हमारे बापूजी लीला कशारी दो। हेलो गाइस। तो पापा, हम तो बढ़िया हैं, आप लोग बता दीजिए कमेंट में कैसे हैं। आप भी ठीक हैं? चकाचक। इसलिए तो घास काट रहे हैं। ओ सही बात। तो पापा यहाँ पर घास काट रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आगे कि मम्मी चले गई मार्केट, तो मम्मी का जो काम है अब वो पापा करेंगे। और जहाँ पर अभी पापा घास काट रहे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कितनी खतरनाक खाई है, पहाड़ी है, तो मतलब पैर फिसला तो सीधे नीचे, तो काफी रिस्क भी लेना पड़ता है घास लाने के लिए, और साथ में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने बताया था ना चीड़ का जो पेड़ होता है ना बहुत बेकार होता है हर चीज के लिए। तो ये चीड़ के पत्ते नीचे गिर रहे हैं, घास के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो घास काटो फिर उनको अलग करो, तो काफी दिक्कत का सामना अभी पापा को करना पड़ रहा है। देखो गिरी गए थे, ये मजाक था कि सही में था? तो पापा सच में नीचे गिर गए थे, मतलब ऐसा थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है, क्या करें, पहाड़ों में जीवन अगर यापन करना है आप लोगों को भी। तो एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे कि जो वीडियो क्वालिटी है ना वो थोड़ा खराब आ रही होगी, तो इसका रीजन है फोन। तो फोन की हो गई हालत खराब, मतलब यात्रा पे जब मैं गया था ना तो मुझे ही पता है कैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि जब मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ ना तो एकदम से किसी टाइम ब्लर हो रहा है, किसी टाइम एकदम से अजीब सी क्वालिटी आ रही है, किसी टाइम हैंग हो रहा है, फोन बंद हो रहा है, हीट हो रहा है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें एक साथ फोन में आ गई थी। तो एक एक सेकंड के लिए, दो दो सेकंड के लिए वीडियो बनाने के लिए ना कम से कम 10-15 मिनट तक मुझे रिटेक लेने पड़ रहे थे, तो काफी दिक्कतों को झेल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो कृपया प्यार बरसाइए अपना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के ही भूखे हैं, और कुछ तो हमको चाहिए है नहीं। तो जो भी है, अभी पापा को घास काटने देते हैं, मैं चलता हूँ घर की ओर क्योंकि भूख लग गई बहुत ही खतरनाक वाली, क्योंकि सुबह जब मैं उठा ना मुंह भी नहीं धोया, सीधे चल पड़ा मम्मी के साथ रोड तक। ए दादी, क्या तो रोले आने तो जंगोरो डोने लगे तो सीढ़ी उपता तो लिया वहां एक कह था बना हमदा बोल दे हम जवान लड़ो था। चल तब रिंग ओण तो जल जा कहीं बहाना पड़। हाँ भाई साहब, देख रहे हो दादी पे, मतलब खुद से बड़ा कट्टा लेके जा रही है, वो भी 84 साल की उम्र में। तो अभी भाई साहब बैलों को लेके गए थे जंगल, तो ये हैं अनुष्का लोगों के बैल, ये हैं हमारे हीरा मोती, तो चलो इनको भी मुझे बांधना होगा और उनको भी। तो पहाड़ों में आजकल आपको ये वाले फूल देखने को बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडाली है, निकालना कैसे है ये वाला। तो बचपन में एक खेल ये भी हुआ करता था हमारा कि उंगलियों पर ऐसे लगाते थे इसको, ऐसे करके पूरी 5 उंगलियों पर, तो मजा आता था बस। मजा तो वैसे अभी भी आ रहा है क्योंकि बचपना हमेशा जिंदा रखने वाला हूँ मैं अपनी जिंदगी में। तो भाई साहब बैलों के साथ जंगल जा रखे थे, तो जैसे ही घर आए तो जंगल से एक खूबसूरत सा जंगली झाड़ू लेके भी आए हैं, और बता रहे हैं कितना खूबसूरत है। तो मम्मी और पापा होते तो फिर जरा बेइज्जती करते, लेकिन मुझे झाड़ू के बारे में उतनी जानकारी है नहीं। एक दिन पहले मेरी भी बेइज्जती मम्मी और पापा कर चुके हैं, क्योंकि एक दिन मैं भी ऐसे ही लेके आया था बड़ा बड़ा,
नमस्कार 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 बोलो तभी कर प्रणाम तो गोल महाराज क्या पढ़ाई की आज है बस ऐसे ही की और आप बोल दो ओ आ का बुलका ओ आ का बुलका अबे डाई में बैठ ला पंगा है लवार लवार में तो दस दिन दस ना है इनका क्या सोएं गोर सोएं गोर में तो दो दिन दो दिन तो कान मैं कान में तो रुपया दिन रुपया मैं मम्मी तेरी मम्मी में तो बस गुड़ी बस गुड़ मैं भी डाई में तो मूसू दी यार और इसने जो बोला इसने दूसरे तरीके से बोला हमको भी आता था हम लास्ट में आता था कि रोटी मैंने कुत्ता था जिन्हें कुत्तन में टांग कट काटी और चलो एक सांस में गोलू ने बहुत अच्छी बात बोली तो अभी खाना भी बन के बिल्कुल रेडी है और आज खाने में है चावल कढ़ी और चौसा जो कि पापा ने बनाया है तो काफी मिस कर रहे थे पापा के हाथ का खाना तो चलो चौसा बात तो मतलब कहीं मिल ही नहीं रहा था कढ़ी तो फिर भी कहीं कहीं मिल ही रही थी लेकिन चलो आज घर आ गया हूँ तो बड़ा मन कर रहा था बहुत दिन से खाने का तो झटपट से खाते हैं ज्यादा बोलने पे फोकस नहीं करते हैं और खा के मिलते हैं आपको। तो अभी मम्मी भी आ चुकी है मार्केट से घर और मम्मी के साथ साथ ताई भी पधार चुकी है घर। हेलो गाइस करवा तो अभी हमने तो खाना खा लिया है तो अब खाएंगे खाना मम्मी और ताई जी। तो जिन बर्तनों में हमने खाना खाया है वो मैं धो लेता हूँ बहुत दिन से बर्तन नहीं धोए तो अपनी जो मोरी मास्टर की नौकरी है ना उसको एक बार फिर ज्वाइन कर लेते हैं।